उमापति ने सर पर चढ़ा कर रखा है हमको, हमें किसी के सामने गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको जिस हालत में भी रखते हैं, डंके की चोट पर रखते हैं, सर पर चढ़ा कर रखते हैं या फिर जूते की नोक पर रखते हैं, हे महादेव कब के मिले हैं तुमसे, हमको तो ये भी याद नहीं, लेकिन सच तो ये है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं बार बार तन्हा, मैं रोज रोज तन्हा, मैं बेशुमार तन्हा। प्यार बांटने वालों में नाम सुमार है हमारा, प्यार के प्यास में देखो मर भी हम ही रहे हैं। कुछ इस तरह से अकेलापन हमारा गुजर रहा है कि जैसे महफिल के बीच से कोई जनाजा गुजर रहा हो। इज्जत शेरों वाली चाहिए, हरकतें कुत्ते जैसी है तुम्हारी, इससे पता चलता है कि अभी बड़े नहीं हुए हो तुम। इज्जत बेच कर रोटी कमा रहे हो तुम, इज्जत उछल गई तो दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी। दोस्तों के दुश्मनों का यार कहते फिर रहे हो, हम कभी ऐसे न थे गद्दार कहते फिर रहे हो, खाली मयान को भी जंग लग गई है तुम्हारे, और तुम खुद को तलवार कहते फिर रहे हो। दो चार चमकते जुगनू से रोशन अंधियारा ना होगा, केवल प्यारी बातों से कोई जान से प्यारा ना होगा, पाना है अगर हमको अब तो मरना होगा, याद रखो जीते जीतो अब जीवन भर कोई हमारा ना होगा। बाहें फैलाकर किसी बारिश के इंतजार में, न जाने कितने समंदर को ठोकर मार चुका हूँ मैं। यूं ही प्यार से मान जाने वालों में से हम नहीं, जब तक बतंगड़ ना बने किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब तुम पैदाइशी पालतू हो, शेर का बच्चा बड़ा होकर सुअर नहीं बनता। चोरी छुपे इज्जत के बदले रोटी खाना रईसी नहीं होती, सरे बाजार दलाली करने वाला ही केवल भड़वा नहीं होता। अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएं, आजादी भी दें, मगर इतनी भी नहीं कि उसके बदन के 35 टुकड़े जंगल में ढूंढने पड़े। जिस मैदान में उतरने से सहम जाते हैं खिलाड़ी, हर उस खेल को खिलौना बनाना है मुझे। हमारा बुरा चाहने वाले मरते दम तक हमारा बुरा ही चाहेंगे, परंतु उन्हें कहाँ पता कि हमारा अच्छा करने वाला भी कोई बैठा है। दिल से मानते हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं,
हम जैसा शख्स कभी किसी का फैन नहीं हो सकता। भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आप केवल संस्कार देखिए हमारा, इतना कुछ होने के बाद भी हम आपको आप कहकर पुकार रहे हैं। महसूस करेंगे आप एक दिन कमी को हमारी, इस वादे को स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ मैं। दिमाग ठिकाने पर रहे मर्द का, ऊपर वाले ने औरत को इसीलिए बनाया है।